तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। और आज काफ़ी दिनों के बाद आज ब्लॉग आ रहा है। तो आज काफ़ी दिनों के बाद हम इवनिंग राइड पे निकले हैं और फिलहाल तो हल्का हल्का अंधेरा होने वाला है और आज का थोड़ा ज़्यादा क्राउड दिख रहा है। तो हम तो ज़्यादातर इवनिंग में निकलते नहीं हैं, तो आज काफ़ी दिनों के बाद निकले तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है भाई, आज पता नहीं कितना ज़्यादा भीड़ क्यों लग रहा है रास्ता पे। वैसे भी हम इवनिंग में तो ज़्यादा निकलते नहीं हैं, तो आज काफ़ी दिनों के बाद निकले ना तो भीड़ भीड़ सा लग रहा है। अरे भाई साहब, तो अभी तो लगभग अभी 5:30 बज रहा है, मतलब 5:40 हो गया। और पहले क्या होता था कुछ दिन पहले कि 5:40 तक में पूरा अंधेरा हो जाता था, और आजकल तो अब अंधेरा नहीं होता है। तो अभी आप देख ही सकते हो, अभी 5:40 हो गया, बस भी अभी सूरज का लाइट है। ऐसा रास्ता खराब है इधर का। और आप लोगों को अगर दिख रहा होगा तो मेरे बाइक में कुछ बहुत स्टिकर वर्क हो रखा है। तो हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या स्टिकर हो रखा है। अगर अभी सनलाइट अगर रहेगा, अभी अगर हो पाएगा अगर, तो हम आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। और अगर लाइट चला जाता है तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को हम अपना स्टिकर वर्क दिखाएंगे और क्या क्या छोटा मोटा मॉडिफिकेशन हो रखा है मेरा बाइक में, आप लोगों को ज़रूर से दिखाएंगे। गाड़ी वाले जाने नहीं दे रहा है। तो कल तो यहाँ पे पुलिस चेकिंग चल रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा बाइक यहाँ पे से कल पकड़ा आया है। तो आज तो नहीं हो रहा है, ऐसे आज हम हेलमेट लगा के आए हैं। ऐसा पता नहीं यार, अचानक चेक हो गया। तो मतलब पुलिस चेकिंग बहुत कम ही होता है, लेकिन ना के बराबर होता है, क्योंकि बहुत से कोई बिना हेलमेट का ही चलता है। तो शायद कल अचानक से चेकिंग हुआ तो काफ़ी ज़्यादा बाइक पकड़ा गया, तो सबको थाना लेके गया है सब बाइक को। और तो अभी तो हम फिलहाल आप लोगों को एक व्यू दिखाने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। और पता नहीं अभी अंधेरा हो जाएगा तो पता नहीं कैसा दिखेगा। हम जल्दी जाने का कोशिश किए थे पर थोड़ा सा कुछ काम पड़ गया था जिसकी वजह से बिजी हो गए थे तो नहीं जा पाए थे। तो अभी जा रहे, अगर देखते हैं हो पाए आप लोग जरूर दिखाएंगे वहाँ का व्यू। और आप बाइक का मॉडिफिकेशन थोड़ा बहुत जो कि स्टिकर वर्क हो रखा है वो सब भी दिखाएंगे, और क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो लग रहा है यहाँ पे चेकिंग हुआ है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाइक पकड़ा हुआ है। तो हाँ कोई नहीं भाई, मेरे पास हेलमेट भी है, अपने पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, मेरा बाइक का क्या बोलते हैं पेपर वर्क प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि मेरा बाइक का कुछ भी पेपर नहीं है मेरे पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना हो गया ना मेरा बाइक, लगभग 14-15 साल हो चुका है। तो इसका मतलब इंश्योरेंस तो फेल ही है भाई, और जो इसका RC बुक होता है वो भी हम इसको खोवा दिए हैं।
पता नहीं मेरा पर्स में था तो कब कहीं पे गिर गया तो पता ही नहीं चला। मेरा पर्स के साथ में ATM वगैरह सारा कुछ खो गया। तो मेरे पास इस बाइक का कोई भी मतलब पेपर नहीं है मेरे पास। तो अगर ये बाइक अगर किसी दिन नहीं थे अगर अगर बाई चांस अगर ये बाइक मेरा कहीं पे पकड़ा जाता है तो बाइक मेरा छूटना तो मुश्किल है। वैसे कोई बात नहीं, क्या बहुत दिन ये बाइक हमारे साथ रही और साथ दिया। पावर है ब्रो, अभी बाइक में बहुत ज़्यादा पावर है। और कुछ दिन पहले ही इसका इंजन वर्क हुआ है तो कुछ दिन पहले इसको तो मतलब क्या बोले 40 से ज़्यादा स्पीड नहीं चलाना था, दोस्त की वजह से हम लोग 40 से कम ही चला रहे थे। और अभी इसका इंजन थोड़ा सा बन गया है तो अब इसको हम लोग भगा सकते हैं, आराम से भगा सकते हैं। और अभी भी काफ़ी ज़्यादा पावर है बाइक में। यहाँ का थोड़ा सा रोड ख़राब है भाई, और ये 2022 का हमारा लास्ट ब्लॉग रहेगा। इसके बाद आप लोगों को न्यू ईयर में ब्लॉग देखने को मिलेगा। फिर आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है न्यू ईयर में, तो हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे कि सरप्राइज क्या है। और वो सरप्राइज आप लोगों को फरवरी में देखने को मिलेगा, बट उससे पहले हम आप लोगों को बता देंगे कि क्या सरप्राइज होने वाला है। तो आप लोग गेस करके ज़रूर बताना कि क्या सरप्राइज हो सकता है आप लोगों के लिए। रोड सीधा है तो यहाँ पे भगा सकते हैं बाइक। पता नहीं यार, देख रहे हो 60 का स्पीड था, इससे ही जाती है बाइक। लेकिन इस बाइक को हम क्या बोल सकते हैं यार, 95 से ज्यादा स्पीड नहीं चलाए हैं। और कभी भी हम बाइक को चलाते हैं तो 60-70 से ज़्यादा नहीं चलाते हैं। तो फाइनली हम लोग को जिस जगह पे आना था वहाँ पे तो आ चुके हैं। और तो ये हम लोग का यहाँ का न्यू पूल बना हुआ है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें सुधीर आता है। पता नहीं अब तो सनसेट हो गया है तो जिसकी वजह से लाइट नहीं आ पाएगा अच्छा से। आज काफ़ी ज़्यादा खाली लग रहा है यार, और दिनों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी रहता है। तो रुकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। तो ये रहा अपना बाइक, जिनको पता है। और आप लोगों को व्यू दिखाते हैं इधर का, तो आप लोग इधर का व्यू देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। और पुराना वाला पुल उधर आप लोगों को दिख रहा होगा, तो उधर पुराना वाला पुल था जो कि बहुत पतला सा था, तो जिसकी वजह से आने में ज़्यादा दिक्कत होता था और हाइट भी उसका कम था नदी से। तो ये पुल न्यू बना हुआ है, तो यहाँ का आप व्यू देख सकते हो। अभी आप लोगों को उधर भी जाकर व्यू दिखाएंगे यहाँ का। तो पता नहीं अभी सनलाइट चला गया तो पता नहीं लाइट दिख रहा हो या नहीं दिख रहा होगा। तो बाइक को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। सो गाइस, आप लोगों को बताए थे कि स्टिकर वर्क हो रखा है मेरा बाइक में, तो क्या क्या हो रखा है हम आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्बल का एक स्टिकरिंग हो रखा है, और यहाँ पे सोकर पे मॉड्यूल का स्टिकर हो रखा है दोनों तरफ, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इधर भी हो रखा है और आगे तरफ है, और आगे तरफ यहाँ पे बम्बल बी का लोगो बना हुआ है। और सबसे मेन बात यह है कि इसका जो हैंडलिंग पोजीशन है तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाला है। तो हेलमेट क्यों रख देते हैं, तो इसका हैंडल जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉर्ट हैंडल लगा हुआ है FG का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे FG का हैंडल लगा हुआ है। तो जब चलाते हैं बाइक उस टाइम
इसका जो सीटिंग पोजीशन है उसको और हैंडलिंग का जो पोजीशन है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा क्राउड है भाई, क्योंकि हम पूल के ऊपर हैं तो अभी गाड़ी वगैरह चल रहा है जिसकी वजह से आप लोगों को ज़्यादा नॉइज़ सुनाई दे रहा होगा, बट कोई नहीं, आप लोग मैनेज कर लेना। और बाइक के साथ साथ आप व्यू देखो इधर का, अभी सनसेट हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा व्यू इधर का सुंदर लग रहा है, और यहाँ का इधर नदी वगैरह तो अभी पानी तो कम है, इधर थोड़ा सा ज़्यादा है। और तो यही रहा आज का वीडियो, बस यही छोटा मोटा मॉडिफिकेशन हो रखा है मेरा बाइक में, बस यही। तो गाइस यहाँ आप लोगों ने व्यू देखा, तो हम यहाँ पे पहली बार आए थे और काफ़ी दिनों के बाद इधर हम इवनिंग राइड में निकले थे, आप लोगों को मैं पहले ही बता दिया था। तो अब यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। अरे यार इतना ज़्यादा गाड़ी आ रहा है, बट कोई नहीं। और अभी आप लोगों को दिख रहा होगा तो काफ़ी पूरा रेड रेड से दिख रहा है और काफ़ी ज़्यादा मस्त दिख रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस, तो ये हमारा 2022 का लास्ट वीडियो था। तो आप लोगों को पता नहीं आगे का दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मेरा बाइक का जो लाइट है ना तो काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से आगे का कुछ दिख ही नहीं पाता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, और ये हमारा 2022 का लास्ट वीडियो था। तो आप लोगों को न्यू ईयर के लिए सभी को हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। तो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।